नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए न्यू हॉलैंड का एक और 50 एचपी के टायर का ट्रैक्टर, जिसने 2023-24 में अपने जो कुछ चेंजेस किए हैं अपने अंदर में, तो सारे चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो है न्यू हॉलैंड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा 50 एचपी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रैक्टर किसानों का, न्यू हॉलैंड 3600-2 TX सुपर प्लस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा जो लुक है ट्रैक्टर का, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से यहाँ पे TX 3600-2 न्यू हॉलैंड प्लस का ब्रांडिंग आपको दे रखा, सुपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है पूरा का पूरा। बात करें इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको 50 एचपी का इंजन आपको मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2500 रेटेड RPM पे, क्योंकि इनलाइन पंप में ट्रैक्टर है पूरा, तो इसीलिए वो 2500 पे काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो दे रखा है इंजन ऑयल का फिल्टर दे रखा है, अल्टरनेटर दे रखा है आपके लिए यहाँ पे। और अब दोस्तों एक बार इसके बात करें, इसके आगे से चलते हैं। आगे के जो टायर्स में दे रखे हैं वो 750 के दे रखे हैं, और पीछे के जो टायर्स हैं वो इसमें बदलाव किया गया, वो 15/9/28 के आपको मिल रहे हैं। जैसे 16/9 के मिलते थे पहले, इसमें आपको 15/9/28 के टायर्स इसमें आपको प्रोवाइड करे गए हैं, पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद अब आगे से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो आगे से अगर आप देखेंगे तो वही लुक है जो पहले आता था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वही आपको एयर फिल्टर आपको मिल जाता है, जो कि वाइल्ड वाइड टाइप का एयर फिल्टर मिल जाता है, और न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर का लोगो, और इसमें टायर जो है 15/9/28 के कर दिए, इसमें लगा दिया है इन्होंने, और वही हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है पूरा का पूरा। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। आगे वही फ्रंट वेट जो आता है कंपनी से, एडिशनल वेट भी इसमें आप लगवा सकते हैं, और काफ़ी बड़ी जाली दे रखी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर में जा सके और ट्रैक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम कर सके। अब दोस्तों बात करें इसके फ्रंट एक्सल के बारे में, जो फ्रंट एक्सल में दे रखा है, इसमें दो नट दे रखे हैं, आप देखेंगे इन दो नटों को इधर भी दे रखे हैं उधर भी दे रखे हैं। इनको खोल करके इस एक्सल की हाइट को कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे आप आलू खोदते हैं काटते हैं तो उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पूरा अपने हिसाब से। जैसे भी A1 कैटेगरी का मॉडल है पूरा, देख सकते हैं 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। अब दोस्तों यहाँ से इंजन के बारे में पूरा देखेंगे, तो इंजन पूरा आपको इनलाइन पंप में ट्रैक्टर है, बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप आपको मिल जाता है। और ये जो पूरा सेटअप दे रखा है, ये पंप का पूरा सेटअप है। यहाँ पे आपको दो पंप दे रखे हैं, एक आपको हाइड्रोलिक पंप दे रखा है, ये पावर स्टीयरिंग का पंप दे रखा है। अलग अलग होने से ये फ़ायदा है कि मान के चलो एक पंप में आपको कोई दिक्कत आती है, मानो ख़राब हो जाता है, तो एक पंप आपका सेपरेट बचा रह जाता है। ये आपका यहाँ पे जो दे रखा है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखा है काफ़ी बड़ा सारा, हाँ ये आपको वाटर सेपरेटर दे रखा है, और ये आपको टूल बॉक्स दे रखा है जिसमें अपना कोई भी ज़रूरी सामान इसमें भर सकते हैं। जैसे इसमें ये पेंट लगा हुआ है, ये शायद से वाइट कलर का पेंट है, ये हो गया, ये पूरा सेटअप देख सकते हैं। और ये डिबस भी दे रखा है आपको, प्लेनेटरी ड्राइव दे रखा है, मतलब इसका जो पीछे का एक्सल है वो मतलब रिडक्शन वाला नहीं है, इसमें इस प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल दे रखा है। प्लेनेटरी ड्राइव का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक क्या होता है उसमें, मतलब कि हब रिडक्शन में क्या होता है कि एक से ही सब घूमते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक मतलब कि तीन ड्राइव एक को घुमाती है, इसलिए जो पावर होती है वो तीन टाइम बढ़ जाती है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, टूट फूट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो मैं आपको पीछे के हिस्से पे लेके चलता हूँ। पीछे से दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो लुक है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपके लिए। सबसे पहला जो मेन अट्रैक्शन है इस ट्रैक्टर का, वो है इस कैनोपी फाइबर हुड, जो कि काफ़ी पावरफुल है। न्यू हॉलैंड में ये जो चीज़ मिलती है ये किसी कंपनी में आपको नहीं मिलती है, काफ़ी तगड़ी है, और ये इतनी तगड़ी है कि ट्रैक्टर का पूरा जो वजन है वो अपने ऊपर ले सकती है। जैसे जो ट्रैक्टर 22-23 क्विंटल का ट्रैक्टर होता है, ये पूरा वजन ट्रैक्टर का अपने ऊपर ले सकती है। बाकी अगर देखेंगे यहाँ पे ये जो लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें, तो इसमें आपको 2000 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है, 2000 क्विंटल वजन आप मतलब 20 क्विंटल वजन आप उठा सकते हैं इसके लिफ्ट की मदद से। और PTO पे आपको कितना निकाल के देता है, 43 HP निकाल के देता है अपनी PTO पे, 43 HP तक का कोई भी इंप्लीमेंट चला सकते हैं। डबल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखें, कंपनी फिटेड, कुछ भी अलग से नहीं लगवाना आपके लिए। टॉपलिंग होल्डर, टॉपलिंग 1 लीटर की पानी की बोतल वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद ये रिफ्लेक्टर हो गया, और दोस्तों इसमें भी आपको ये चैन वाला सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। वही आपको एक पिन को निकाल करके, इसमें दो पिनें दे रखी हैं, दोनों पिनों को निकाल करके इसको आप आराम से इसकी जो विड्थ है इसकी लोरिंग की उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर दे रखी है। इसमें डिपर्स दोस्तों उसी तरह के मिलते हैं, कंपनी अगर इसमें भी आप वही डिपर्स ला दे तो और अच्छा है, क्योंकि सभी मॉडल्स में सेम डिपर्स बढ़िया हैं, तो इसमें भी आपको पुराने जैसे डिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करो इसका जो मेन अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा था, प्लेनेटरी ड्राइव, ये जो इसका एक्सेल है वो देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लेनेटरी प्लस है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेल है। इसमें कोई भी हब रिडक्शन टाइप की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या होता है, ट्रैक्टर में जो आवाज़ आती थी पीछे वाले हिस्से से वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसमें जो टूट फूट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये काफ़ी तगड़ा सेटअप इसमें बनाया गया है पूरा, इसको प्लेनेटरी ड्राइव इसको बना दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी बात करें प्लेटफॉर्म के बारे में, तो जो प्लेटफॉर्म इसमें दे रखा है वो सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए आपको दे रखा है। काफ़ी नीचा प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ भी आपको मैटिंग टाइप का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे मैं आपको चढ़ के एक बार दिखा देता हूँ कैसा लुक हमें देखने को मिलता है। तो इस पर चढ़ेंगे आप तो आसानी से ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हैं, और
कोई भी आपकी हाइट अपनी हाइट की, थोड़ा सा ये नीचा है तो आपको सीट को नीचा करना पड़ेगा अपने वेट के हिसाब से, वैसे सीट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी हो जाएगी, अभी फुल ऊपर है ये, ठीक है। तो एक बार मैं दिखाऊँ थोड़ा सा आपके लिए, इसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको अगर ड्राइवर सीट पर बैठ के देखोगे तो कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिलेगा, पूरा देख सकते हैं। ये आपको डैशबोर्ड हो गया, वही आपको जो मिलता है देखने हॉलैंड में, ये आपका लोगो के साथ में, ये आपको लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर और ये हेडलाइट्स की कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, पार्किंग लाइट और ये आपका यहाँ पे रेस का लीवर दे रखा है। नीचे आपके लिए स्टॉपर दे रखा है, आपको यहाँ पे ये जो क्लच दे रखा है इसमें डबल क्लच है, डबल क्लच, ये वाला जो क्लच है वो गियर्स के लिए है केवल, और ये वाला जो क्लच है वो इंडिपेंडेंट दे रखा है जो कि पीटीओ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको दे रखा है, इसमें एक अलग से गियर दे रखा है, लो हाई का दे रखा है, मतलब ये जो ट्रैक्टर है वो इसमें देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं, पूरा आप देख सकते हैं। एप्ट्रा पीटीओ, सात तरह की पीटीओ इसमें आपको मिल जाती है देखने के लिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच हो गया और सॉफ्ट टेक क्लच है, मतलब क्लच बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको जो गियर्स दे रखे हैं, जो मेन गियर का लीवर वो यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको 1 2 3 4 रिवर्स का दे रखा है, तो चार ये वाले हो गए और दो ये वाले हो गए, ठीक है, तो आठ फॉरवर्ड और दो रिवर्स हो गया। साथ में आपको ये जो गियर दे रखा है इसकी मदद से ये चार हो जाते हैं, ठीक है, 16+4 का गियर्स आपको मिल जाता है यूजी का, क्योंकि ये दो स्पीड आपको यहाँ पे देखी है, दो ये वाले दे रखी हैं और चार स्पीड आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, तो रिवर्स का ये और चार ये वाले, तो 16+4 का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि यूजी का है, पूरा देख सकते हैं। पीछे आपको पोल्यूशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं, ये आपको ऑक्सिलरी लीवर दे रखा है जिनसे आप अपने ऑक्सिलरी लीवर को ऑपरेट कर सकते हैं, उनके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टिकर आपको दे रखे हैं और रिमोट वाल्व दे रखे हैं, IEF कॉन्स्टेंट मैस का गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मैस का गियर बॉक्स दोस्तों इसमें दे रखा है, पूरा देख सकते हैं, मतलब कि 16+4 का कॉन्स्टेंट मैस का गियर बॉक्स इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, पूरा आप देख सकते हैं, और इसमें भी लिफ्टोमेटिक का सेटअप दे रखा है, पूरा देख सकते हैं। सो दोस्तों ये था न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑल राउंडर और सुपर प्लस का पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा है उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, पूरा देख सकते हैं, सारा का सारा मैंने फीचर्स के बारे में बता दिया। इस ट्रैक्टर के बारे में और भी कोई आपका सवाल रह गया है, इसकी कितनी कीमत है, तो मैं इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो डीलरशिप है यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस जो होता है, अगर मैं आपको कुछ बता दूं और आप कुछ समझो तो प्राइस इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बताया है, आप इनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं आराम से, प्राइस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।